अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज सुबह ताइवान की संसद पहुंची। उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति इंग वेन से मुलाकात की। इस दौरान पेलोसी को ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान का साथ नहीं छोड़ेगा। उधर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान के लिए आर्थिक परेशानियां खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। चीनी सरकार ने ताइवान को नेचुरल सैंड देने पर रोक लगा दी है। इससे ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है और कोरोना महामारी के बाद से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए इनकम का सोर्स बन गया है। ऐसे में रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। इससे पहले 1 जुलाई को भी चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड सप्लायर से होने वाले आयात पर भी प्रतिबंध लगाया था। आपको बता दें, ताइवान पहुंचने पर पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान की डेमोक्रेसी का समर्थन जारी रखेगा। वहीं चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे की निंदा करते हुए अमेरिका को चेताया। चीन ने अमेरिका को नसीहत दी कि वो आग से खेलना बंद करे।